नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट में चल रहे जितने भी आपका मेन बोर्ड आईपीओ और आपके सेमी आईपीओ रहने वाले हैं उन सभी का क्या लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट प्रीमियम चल रहा है और यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी क्षेत्र में आज की इस वीडियो में जैसे देख सकते हैं क्रिशल इंटीग्रेटेड आईपी सर्विसेज का कंप्लीट रिव्यू आपको इस वीडियो में दूंगा। उसके बाद आपको बारी बारी से सारे आईपीओ का जेमपी भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका डिटेल रहने वाला उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला कि इस आईपीओ का मार्केट में ओपनिंग की बात करें तो आपको देख सकते हैं कि इस आईपीओ को देख सकते हैं कि आपको 14 मार्च इसकी शुरुआत होती हुई दिखी है और इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई आपका मंडे का दिन होने वाला जो कि आपको 18 मार्च है। और दोस्तों, बात करें इसका अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, तो दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट है आपको 19 मार्च के दिन होता हुआ दिखेगा और यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता ओवरसन के कारण तो जो आपके पैसे हैं आपको 20 मार्च के दिन आता हुआ रिफंड होता हुआ दिखेगा जो कि आपको बुधवार का दिन होने वाला है। और दोस्तों, बात करें यदि आप लकी रहते हैं आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो आपके जो डीमेट आपको डीमेट अकाउंट में 20 मार्च के दिन पैसे आपको जो शेयर हैं आपको आता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, इसकी जो लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है आपको 21 मार्च के दिन रखा गया है। तो दोस्तों, ये तो गया इसका कंपनी का इंपॉर्टेंट डेट्स। अब चलिए जो इसका कंपनी का जो आपका इंपॉर्टेंट आपका डिटेल्स रहने उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको देखने को मिले इसका जो फेस वैल्यू आपको 10 रुपये का है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए इसका जो प्राइस बैंड रखा गया आपको 680 रुपये से आपको 715 रुपये का राउंड रखा गया है। और दोस्तों, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कट ऑफ प्राइस पर टिक कर दिया करें या 715 रुपये से फिल कर जो आपके लिए सूटेबल हो। और दोस्तों, बात करें आपको लॉट साइज की तो आपको देख सकते हैं कि एक लॉट में आपको 20 शेयर रहने वाले हैं। और दोस्तों, बात करें इस आईपीओ के रिगार्डिंग तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आईपीओ का जो टोटल साइज रहने वाला है वो आपको 300 करोड़ का टोटल साइज रहने वाला है जो कि आप दोस्तों देख सकते हैं। और इन 300 करोड़ में आप देख सकते हैं कि जो फ्रेश इश्यू है आपको 175 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल आप देख सकते हैं कि 125 करोड़ का है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और बात करें लिस्टिंग के रिगार्डिंग तो दोस्तों, इसका जो लिस्टिंग आपको बीएससी और आपका एनएससी दोनों पे होता हुआ दिखेगा जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको इसमें नजर डालते हैं यदि आप किस कैटेगरी से आप लगाना चाहते हैं तो आपको कितने रुपये का इसमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला कि यदि आप रिटेल कैटेगरी से लगाना चाहते हैं तो आपको एक लॉट में 20 शेयर रहने वाले हैं। और यदि आप देख सकते हैं कि यदि आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी से 13 लॉट लगा सकते हैं और जिसके लिए आपको देख सकते हैं कि आपको उसमें 260 शेयर रहने वाले हैं और इसके लिए आपको 1,85,900 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और मिनिमम आपको 14,300 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिसमें देख सकते हैं कि HNI कैटेगरी से आप मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम आप 69 लॉट लगा सकते हैं जिसके लिए आपको 2,200 रुपया और मैक्सिमम आपको 9,86,700 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसके आपको किस कैटेगरी से कितने पैसे आपके लगने वाले हैं। अब दोस्तों, बात करें इसमें आपको रिजर्वेशन कोटा के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% शेयर को रिजर्व रखा गया है और इसमें देख सकते हैं KYB के लिए 20%, HNI के लिए 15%। और बात करें दोस्तों रिटेल के रिगार्डिंग, तो रिटेल के लिए आपको 35% शेयर को रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसमें रिजर्वेशन कोटा के रिगार्डिंग। अब दोस्तों, बात करें इसमें आपको देखते हैं कि आईपीओ आने से पहले इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली आपको 99% आपको देखने को मिली। तो दोस्तों, आप 99.99 देखने को मिल रहा है तो आप इसे 100% पूरा डाटा बोल सकते हैं। अब दोस्तों, इस आईपीओ के आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रह जाएगी इसके रिगार्डिंग कोई भी इसमें डाटा आपका इसमें दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों, ये तो आपने सारा डाटा देखा कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के कारोबार में तो कैसा है। अब चलिए दोस्तों, इसमें नज़र डालते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, आपको देखने को मिले इस कंपनी का जो आपका फॉर्मेशन आपको 2000 ईस्वी में आपको होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको देखने को मिले कंपनी करती क्या था, आपको देख सकते हैं कि कंपनी आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो आपको मतलब वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें आपको देख सकते हैं कि उनका हाउस कीपिंग हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, इसके बाद आप देख सकते हैं लैंडस्केपिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग सर्विसेज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका पेट कंट्रोल हो गया, इस तरह करके आपको और भी आपको सर्विसेज को प्रदान कर दीजिए जिसमें आपका प्रोडक्शन सपोर्ट हो गया, हाउस वायर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एयरपोर्ट मैनेजमेंट हो गया। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला कंपनी जो आपको काम करती हुई नजर आ रही हो आपको वेरी क्षेत्रों में अलग अलग आपको इनका काम देखने को मिल रहा है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों, और भी आपको काम देखने को मिल रहा है जो कंपनी आपको और भी क्या करती है, स्टाफिंग हो गया, पेरोल मैनेजमेंट हो गया, प्राइवेट सिक्योरिटी हो गया, इसके बाद मेन गार्डनिंग हो गया, कैटरिंग सर्विसेज को भी आपको प्रदान करती है। और दोस्तों, ये तो आपको अलग अलग क्षेत्र में काम देखने को मिल रहा है। और भी आपको देख सकते हैं कि इसमें कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, आप देखने को मिलेगा कि इनके अंडर में देख सकते हैं कि आपको 134 आपका हॉस्पिटल्स हो गया जिसमें आपको 222 स्कूल्स हो गया, 2 एयरपोर्ट्स हो गया, 4 रेलवे स्टेशन हो गया, 10 मेट्रो स्टेशन हो गया। तो जो आपको मैंने अलग अलग कामों को बताया इन्होंने आपको देख सकते हैं कि आप अलग अलग तरीके से इनका जो इनके अंडर में आपका रेवेन्यू
बोलिए, डिमांड बोलिए, आता हुआ दिख रहा है। जो आपका हो गया हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, आपको मेट्रो हो गया, तो अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों और भी बता रहे हैं कि इनका जो कैटरिंग का भी जो सिस्टम है आपको ट्रेनों में भी, वो भी आपको डाटा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इनका जो बिजनेस आपको काफ़ी आपको डाइवर्सिफाइड बिजनेस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इनके जो कस्टमर की बात करें तो आप ईयर बाई देख सकते हैं कि इनका इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि 262 कस्टमर इनको 2021 में, 277 कस्टमर 2022 में और 326 कस्टमर 2023 में होता हुआ जम देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें कि कितने आपको इनको राज्यों में इनका जो आपको इसे काम देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि अभी तक इन्होंने आपको 2427 कस्टमर को सर्व किया है और अलग अलग लोकेशन पर, जो कि आपको लोकेशन देख सकते हैं कि दो इनका जो 2427 इनका आपका लोकेशन भी इसमें हो गया जिन्होंने आपको सर्व किया है। और देख सकते हैं कि 14 राज्यों और आपका इंडिया आपका वन यूनियन टेरिटरी में भी इनका जो काम आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि तो आपने मोटा मोटा समझ लिया कि कंपनी करती क्या है और कंपनी आपका फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या मतलब इनको आपको होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि आपको पिछले एक सालों में 2022 और 2023 के अंदर इसमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो आपका रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो अभी 28% से इनका इंक्रीज किया है। और वहीं यदि बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देख सकते हैं कि आराम देखते हैं कि 47% ग्राउंड देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें कि एसेट बोलिए, रेवेन्यू बोलिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलिए, अलग अलग चीज़ों में तो देखते हैं काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखते हैं कि आपको सारा डाटा आपको इसमें करोड़ में होता हुआ दिख रहा है और सभी में आपको अच्छी खास इसमें जम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोस्तों बात करें कंपनी के हाथों में इनके अच्छा खासा आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी देखने को मिल रहा है, जो कि देखते हैं 170 करोड़ का इनके हाथों में रिजर्व एंड सरप्लस है। और इनके हाथों में बोरिंग की बात करें तो 103 करोड़ के इनके हाथों में बोरिंग भी है। तो दोस्तों इनका जो हाथों में जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो बोरिंग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, तो अब इसे एक डेट फ्री कंपनी भी इसे बोल सकते हैं। और दोस्तों बात करें की पैरामीटर की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इनका जो आरओई देखने को मिल रहा है आपको 11 का देखने को मिल रहा है, और आरओसी की बात करें तो अराउंड 17 का देखने को मिल रहा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कि 0.58। और दोस्तों बात करें ईपीएस के रिगार्डिंग, दोस्तों आईपीओ आने से पहले इनका जो ईपीएस आपको 33 का है और आईपीओ आने के बाद इनका जो ईपीएस हो जाएगा आपका 29 का हो जाएगा। और दोस्तों बात करें पी के रिगार्डिंग, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनका जो पी आईपीओ आने से पहले 21 है और अराउंड और आईपीओ आने के बाद 24 अराउंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपने तो अभी तक समझ लिया कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है। अब चलिए दोस्तों इसका जीएमपी पर नजर एक बार डालते हैं कि अभी कंसर्न कितने का जीएमपी देखने को मिल रहा है, और दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, और उसे क्या फाइनेंशियल और उसे क्या डाटा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका जीएमपी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसमें आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ को जीएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों इसका जीएमपी आपको 34 रुपये ट्रेड करते हुआ दिख रहा है, और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बने 715 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद 749 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो दोस्तों आपको अराउंड 5% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका जीएमपी की बात की तो इसका जीएमपी ने 90 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसकी लोवेस्ट जीएमपी की बात करें तो इसने आपका 34 रुपये का इसने लो भी लगाता हुआ दिखा है, सॉरी दोस्तों इसमें आपको 0 रुपये का इसने लो भी लगाता हुआ दिखा है, और करंटली जो आपको ट्रेड कर रहा है वो आपको 34 रुपये पर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आपको इसमें दिखा दो, आप देख सकते हैं कि पहले जो इसका जीएमपी आप देख सकते हैं कि 809 ट्रेडिंग सेशन का जीएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को नहीं मिल रहा था, फिर इसने आपका देख सकते हैं कि 90 रुपये का इसने हाई लगाया, फिर इस यहां से इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है, फिर 90 के बाद फिर 70, फिर 35, फिर 47, फिर 34 और करंटली आपको 34 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर और इस वीडियो में बने रहें, यदि जीएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को मिलता है तो आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ ग्लोबल पॉइंट देखने को मिला हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक लाइक है मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आईपीओ जीएमपी पे नजर डालते हैं, यदि आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज आईपीओ जीएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को मिल इसका जीएमपी आपको 0 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और दोस्तों आपको देखने को मिल इसका जीएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों इसका जीएमपी आपको देखने को मिलेगा जीएमपी आपको 33 रुपए का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसकी लोअर जीएमपी की बात करें तो इसने आपको दोस्तों आपको 0 रुपए का लो भी लगाता हुआ दिखा है। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, और दोस्तों आपको देखने को मिला कि जो इसका जीएमपी आपको पहले 0 पे ट्रेड कर रहा था, फिर उसने आपको 33 का इसने हाई लगाया, और 33 का इसने हाई लगाने के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, और देख सकते हैं कि इसमें फिर 27 पे आया, फिर 5 पे आया, और करंटली आपको 0 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिला है इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल वीडियो चैनल पर बना रखा है, और आपको अगले दिन आपको आता हुआ कल के दिन इसमें दिखेगा आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट आईपीओ जीएमपी पे लेके चलते हैं और देखते हैं उसमें कितने का जीएमपी में आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
बात करें प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स आईपीओ जेएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों का जेएमपी आपको 26 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बैंड है 75 रुपए का, दोनों को ऐड करने के बाद 101 रुपया निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात करें तो दोस्तों आपको 35% का शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके जेएमपी की बात करें तो इसके जेएमपी ने आपको 95 रुपए का हाई लगाता हुआ दिखाया, वहीं इसकी लोअर जेएमपी की बात करें तो इसने आपका 0 रुपए का लो भी लगाता हुआ दिखाया, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आईपीओ को जेएमपी पे नजर डालते हैं, यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बात करें रॉयल सेंस आईपीओ जेएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को मिले इसका जेएमपी आपको देख सकते हैं कि 17 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बैंड आप देख सकते हैं कि इसका जो 68 रुपीज़ का है, दोनों को ऐड करने के बाद 85 रुपीज़ निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की दोस्तों आपको इसमें 25% का शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके जेएमपी की बात की तो इसका जेएमपी ने देख सकते हैं कि 17 रुपये का इसने हाई लगाता हुआ दिखा है और करंटली आपको 17 पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, तो दोस्तों आपको इस आईपीओ में क्या करना है क्या नहीं करना है आप इसमें देख लीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आईपीओ जेएमपी पे नजर डालते हैं, यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बात करें इन्फ्यूज सॉल्यूशन आईपीओ जेएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसका जेएमपी आपको 34 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बैंड है 96 रुपीज का है, दोनों को ऐड करने के बाद 130 रुपए निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो दोस्तों आपको देख सकते हैं कि 35 से 36% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके जेएमपी की बात की तो इसका जेएमपी ने 80 रुपए का इसने हाई लगाता हुआ दिखाया, वहीं इसके लोअर जेएमपी की बात करें तो इसने आपको 0 रुपए का इसने लो भी लगाता हुआ दिखाया। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, और दोस्तों आपको किसी और बता दें इसका जो आईपीओ का इसका जो डेट है आप देख सकते हैं कि आपका जो आपका 15 जनवरी आपको 15 मार्च से शुरू हुआ है, आपको 19 जनवरी आपको 19 मार्च के दिन क्लोजिंग होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों आप इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोस्तों 19 मार्च का वेट करें और आप उस दिन का जो दोपहर का जो डाटा होगा आप उसमें 1 से 2 बजे का डाटा देखिएगा, इसमें आपको क्यूआईबी और एचएनआई का कंसेप्शन डाटा कैसा देखने को मिल रहा है और इसका जेएमपी क्या चल रहा है। और उसको जेएमपी के अनुसार आपको यदि आपको अच्छे खासे इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा या इसका आप साथ जा सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आपको एसएमई आईपीओ में आपको इसमें लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा बात यह नहीं है कि आपका मार्केट में कोई भी आईपीओ आप उसमें अप्लाई करना ही करना है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ यदि आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करिए आपका जो कैपिटल है वो आपको सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने उसमें कुछ प्रॉफिट के लिए उसमें अप्लाई किया और आपको उसमें लॉसेज देखने को मिला। तो दोस्तों ये तो आपके लिए एडवाइज रहेगा, अब दोस्तों आपके टोटली डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें अप्लाई करना है कि आपको नहीं करना है, आप दोनों डिसीजन दोस्तों आपका है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ को जेएमपी पे नजर डालते हैं कि देखते हैं उसमें कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और उसमें क्या आसार देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ जेएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों का जेएमपी आपको 35 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बैंड है 144 रुपीज़ का है, दोनों को ऐड करने के बाद 179 रुपीज़ निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो दोस्तों आपको 24 से 25% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके जेएमपी की बात की तो इसके जेएमपी ने दोस्तों देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसके लोअर जेएमपी की बात करें तो इसने आपका 30 रुपीज़ का इसने लोवेस्ट भी लगाता हुआ दिखा है, जैसा कि दोस्तों आप इसको इसमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आपको देखने को मिला कि जेएमपी देख सकते हैं कि पहले आपको 80 रुपये शुरू हुआ था, फिर आपका बढ़ते बढ़ते 100 रुपीज़ का हाई लगाया, फिर इसमें गिरावट देखने को मिली और देखते हैं आपको दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपको गिर के अभी आपको करंटली 35 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों इस तरह तो आपने इस आईपीओ को आपने जेएमपी देखा कि आपको जेएमपी के अनुसार कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और इसका मार्केट में क्या आसार देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसी तरह और भी आपको अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिलता रहे, ताकि आपसे कोई भी आईपीओ और मार्केट का आपका इंपॉर्टेंट न्यूज और आपका इंफॉर्मेशन जल्द से आपके पास पहुंच है। तो चलिए दोस्तों इस तरह और वीडियो को देखने के लिए अभी इस चैनल को आपका लाइक और अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको इसमें कुछ क्वेरी है, यदि आप इसमें कुछ सलाह देना चाहते हैं या इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।